भमौरी ब्लॉक के परवा जन शिक्षा केंद्र के तहत विद्यालय में मिली अनियमितता। शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय है। इस विद्यालय में 5 शिक्षक होते हैं, जिनमें से 3 शिक्षक उपस्थित थे और 1 सीएससी केवल संकुल में थे। वहीं इसी विद्यालय में सीएससी की पत्नी भी शिक्षिका है, जो कि सीएल पर थी, लेकिन रजिस्टर देखने पर केवल एक ही दिन की सीएल थी और हमारे पहुंचने पर हमारे सामने ही दूसरे दिन की सीएल चढ़ाई गई। यदि हमारे द्वारा नहीं देखा होता तो शिक्षिका की सीएल का पता ही नहीं चलता। इसी तरह जन शिक्षा केंद्र परवाह के तहत ग्राम किशनपुरा का स्कूल तो खुला पर वहां से सारे शिक्षक गायब थे। स्कूल का ताला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा खोला गया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना कि आज एक भी शिक्षक स्कूल नहीं आया। शिक्षकों का कहना है कि उनकी छुट्टियां चल रही हैं, जबकि जिला कलेक्टर द्वारा सिर्फ विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की छुट्टियां घोषित की गई हैं। लेकिन शिक्षक दूरदराज ग्रामीण इलाकों में इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। सीएल लग रही चढ़ाई तो अपने आप अभी है ना। आज कितने उपस्थित हैं? आज 3 है सर। और बाकी के जो 2 है वो कौन कौन? बाकी के एक मैडम अवकाश में सर। कौन मैडम? और विनीता भार्गव और प्रमोद सर जो संकुल पे जिसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है सर। अच्छा, जो मैडम आप बता रहे हैं जो आपके सीएससी प्रमोद भार्गव में, वो उनके घर से हैं? हाँ, उनके घर मैसेज है उनकी। अच्छा, ऐसा सुना है कि मैडम स्कूल आती ही नहीं है? नहीं, अब तो सर रोज आ रही। पहले क्या है कि वो एमए करने गई थी, अब लेकिन वो क्या सितंबर से रेगुलर आ रही है। एमए करने कहाँ गई थी? ये डीओ कार्यालय से आदेश आए थे, इसलिए अटैचमेंट लगी थी। अच्छा, डीओ साहब ने बोला था सितंबर से आ रही है। इससे पहले कब तक नहीं आ रही थी? नहीं, पहले से दो साल तक अवकाश था। दो साल का अवकाश? नहीं, अवकाश नहीं है वो। हाँ, उनने संस्कृति ली थी 2 साल की। दो वो क्या, तो उस समय उनने कॉलेज में उपस्थिति दी। अच्छा, जो आपके सीएससी हैं वो संकुल पर हैं। मैडम कहाँ पर गई? मैडम भी नहीं है। अच्छा, वो क्यों गई? नहीं, आज मीटिंग की है। 3 दिन होती है, 2 दिन प्राइमरी थी और 1 दिन मिडिल की। अच्छा, अवकाश ले रखा है हमने तो सीएल दी होगी। नहीं, 1 दिन की तो सीएल दी सर, और 1 दिन आज जो मार्क ट्रेनिंग में है वो। बहन जी, ये स्कूल में टीचर मौजूद नहीं है। स्कूल आपने खोला है और टीचर कहाँ है? कितने ड्रेस लेने हैं? अच्छा, कितने शिक्षक हैं यहाँ पर स्कूल में? दो और एक जो मैडम है वो आती है। कौन सी है? क्या नाम है उनका? वो नाम रेखा किरार जी हैं। हाँ। अच्छा, मैडम कब से नहीं आई है स्कूल? मैडम कभी नहीं आई। कितने साल से बदस्ते हुए यहाँ पे? जब से गुस्सा वाला, जब से नहीं आई। बहन जी बोलिए, आप बोलिए, आप सब पूछ रहे हैं। मुझे पता ही नहीं कब से नहीं आई, मैंने देखी नहीं। जब से नहीं आई तो देखी नहीं, आज जब आती जब। अच्छा, आप कब से नौकरी कर रही हैं? वो तो 5-6 साल से ज्यादा हुआ। क्या साल हो गए तुम्हें नौकरी करते हैं? 5-6 साल से आपने मैडम को देखा ही नहीं आज तक? 5-6 साल से नौकरी करने नहीं आई मतलब, वो और बकायदा चल रही है उनकी नौकरी। अच्छा, रोज आप ही स्कूल खोलते हो इसी तरह? नहीं, रोज नहीं खोलती हूँ, अभी आते हैं सर। वो तो आज लेने गए। क्या ड्रेस लेने गए? ड्रेस लेने दोनों शिक्षक गए। एक तो होना चाहिए ना, यदि एक तो मौजूद होना चाहिए ना। क्यों पूछ रहा है ये बताओ? मुझे पता है, डेली आ, लेकिन एक गए।